तो बिग बॉस OTT3 के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि नया टास्क होता है घर के अंदर, कौन है स्टार और कौन है बेकार। अनिल कपूर बोलते हैं कि आप सभी घर वालों को किसको देखकर ये लगता है कि ये स्टार है और कौन आपको सबसे बेकार लगता है। सना मकबूल का कहना है कि मुझे लगता है कि अरमान मलिक इस घर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वहीं अरमान मलिक का कहना है कि सना मकबूल का जो फेस है ये नागिन वाला फेस है और जिसके साथ भी बैठती है उसी के जैसा हो जाती है। लोकेश कटारिया का कहना है कि सना सुल्तान को जनता बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कुछ भी करती नहीं है, बस आला आला करती रहती है और कुछ भी नया नहीं होता है। सना सुल्तान का कहना है कि आला आला मैं बोलती हूँ, ये मेरा अंदाज है बोलने का, अगर किसी को मसला है इस चीज से तो ये उनका मसला है, मुझे क्या। वही नेजी का कहना है मुझे लगता है कि सना मकबूल वो स्टार है, यानी कि वो आगे जा सकती है। वही कृतिका का कहना है मेरे हिसाब से सना मकबूल जो है वो बेकार है, क्योंकि सना मकबूल जितनी तेजी से रंग बदलती है उतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। सना मकबूल कृतिका को बोलती है ये मुझको गिरगिट बोल रही है, इसकी खुद की रियलिटी चेक की जरूरत है, तभी से पता चलेगा असली गिरगिट कौन है। कृतिका का कहना है सना मकबूल को खुद को ये नहीं पता है कि उसे किधर जाना है, कभी यहां उछलती है कभी वहां उछलती है। जी दोस्तों, कौन है स्टार और कौन है बेकार, इस टास्क के दौरान सारे घर वालों ने अपनी अपनी भड़ास निकाल दी है एक दूसरे के ऊपर। फिलहाल आपके हिसाब से कौन है स्टार और कौन है बेकार, कमेंट करके जरूर बताइएगा।